अरे लूट मचावे के का जरूरत बा, तोहने लोग के लेवे के आराम से ले ला लो। कैसन लुटेरा लोग बा यहाँ, यहाँ तो पूरा लूट मचल बा, कैसो लुटाए से बचाए के पड़ी। यहाँ बिना चले वाला सामान के हाथ गोड़ मुंह में पोत के और घर वाला 5 मिनट में खत्म कर दे। पलट के ई ना पूछनी है कि तू कुछ खैलू है कि ना, उल्टा सुनावा तनी कि चाप के कलौंजी खैनी है। हाय चम्मच वो रहती गजब मेरा रुबिया भाई, कोना बात चला हमू देखल चाहता नहीं। तो हार माइका कोना ग्रह के माइका हा, मत कहीं हमरा के बेटी तू हमनी के घर के प्रतिष्ठा बाड़ो। तो हार भी नहीं घर बाहर बहुत सोन लागत आ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भोजपुरी का सुपर डुपर हिट होने वाला फिल्म जिसका नाम है दोस्तों मैं के चली जाऊंगी। जी हां दोस्तों, इस मूवी को रिलीज कर चुका है बट दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज नहीं है। लेकिन दोस्तों कहां रिलीज किया गया, कैसे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा पूरी जानकारी देंगे डिटेल से। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का फुल रिव्यू करने वाले हैं, तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में स्टार कास्ट के रूप में दिनेश लाल यादव और दोस्तों आप लोग को अमरपाली दुबे जी देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों काफी शानदार फिल्म बना है मैं के चली जाऊंगी। पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, आप लोग किस प्रकार से देख पाइएगा वो भी दोस्तों अपने अपने घर बैठे अपने अपने फोन से और अभी के अभी तुरंत। तो चलिए दोस्तों आप लोग को बताते हैं। दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर को खोल लीजिएगा और दोस्तों वहाँ से दंगल प्ले ऐप को सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर दंगल प्ले ऐप पर जाइएगा और वहाँ दोस्तों भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम है दोस्तों मैं के चली जाऊंगी उसको आप लोग सर्च करके आसानी से देख पाइएगा बिल्कुल फ्री में और पूरा परिवार के साथ, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में पूरा पारिवारिक रोल लिया गया है, जो कि दोस्तों दिनेश लाल यादव यानी दोस्तों उर्फ नीरव हुआ। और आप लोग को बता दें दोस्तों इस फिल्म में अमरपाली दुबे जी भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार फिल्म बना है, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों इस फिल्म में निर्माता जो है इस फिल्म का दोस्तों निर्माता इकबाल ई मकानी जी इस फिल्म में दोस्तों निर्माता का काम किए हैं और दोस्तों प्रवीण कुमार जी भी इस फिल्म में दोस्तों निर्माता का ही काम किए हैं। दोनों मिलकर दोस्तों इस फिल्म में निर्माता का काम किए हैं और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, जो कि दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में काफ़ी शानदार दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। दिनेश लाल यादव यानी दोस्तों निरहुआ आप लोग को देखने के लिए मिलेगा काफ़ी शानदार दोस्तों अलग अंदाज में, और अमरपाली दुबे जी भी अलग अंदाज में देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों मैं के चली जाऊंगी एक घरेलू फिल्म है और पूरा पारिवारिक फिल्म है, ड्रामा से भरा फिल्म है। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म का जो कथा पटकथा और निर्देशन है इश्तियाक शेख बंटी जी करते दिख रहे, और संवाद का बात कर ले तो अरविंद तिवारी जिस फिल्म में दोस्तों संवाद का काम किए, छायांकन डी के शर्मा जी करते नजर आ रहे और संगीत ओम झा जी किए। गीत का बात कर ले तो अरविंद तिवारी जिस फिल्म में दोस्तों गीत दिए और संकलन प्रीतम नायक जी इस फिल्म में दोस्तों संकलन का काम किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों संकलन किए हैं इस फिल्म में। और दोस्तों गीत जो दिए हैं अरविंद तिवारी जी, ये गीत काफ़ी शानदार दोस्तों देते हैं सभी फिल्म में दोस्तों, और इस फिल्म में भी दोस्तों अरविंद तिवारी जी ही गीत दिए हैं, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक गीत फिल्म आप लोग को देखने के लिए मिलेगा इस फिल्म में, और पूरा पारिवारिक गीत है, जो कि दोस्तों आप लोग पूरा परिवार के साथ सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में कहीं भी असल काम नहीं किया गया और पूरा पारिवारिक रोल लिया गया है, जो कि दोस्तों दिनेश लाल यादव और दोस्तों आप लोग को बता दें इस फिल्म में अमरपाली दुबे जी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा साथ में, और काफ़ी शानदार दोस्तों जोड़ी निभाते हैं नजर आ रहे इस फिल्म में, और काफ़ी सीन ऐसा है दोस्तों आप लोग को देख के दोस्तों दर्दनाक से दर्दनाक इमोशनल भरा सीन है, जो दोस्तों आप लोग को देख कर रोना आ जाएगा, इस प्रकार दोस्तों फिल्म बना है। और दोस्तों इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जो दोस्तों पब्लिक का प्यार काफ़ी सारा फिल्म में मिला ही है, और दोस्तों इस फिल्म का ट्रेलर पर भी दोस्तों काफ़ी सारा पब्लिक का प्यार मिल रहा है, जिसके कारण दोस्तों ट्रेलर काफ़ी रिलीज वायरल हो चुका है। और दोस्तों इस फिल्म का यूट्यूब पर भी रिलीज होने वाला है फिल्म, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर ही, और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं दोस्तों कुछ दिन के बाद ये रिलीज होने वाला है मैं के चली जाऊंगी भोजपुर के सुपर पर हिट फिल्म जिसका नाम है दोस्तों। और आप लोग को पता है दोस्तों फिल्म निर्देशक जो है काफ़ी शानदार दोस्तों निर्देशक रह चुके हैं इस फिल्म में, और दोस्तों निर्देशक काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण दोस्तों फिल्म को काफ़ी शानदार दोस्तों बनाया गया है मैं के चली जाऊंगी भोजपुर के सुपर डुपर हिट फिल्म, पूरा पारिवारिक फिल्म, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों इस फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन किया गया है ऑडियो लैब से किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों ऑडियो लैब से पोस्ट प्रोडक्शन किया गया है। संकलन का बात कर ले तो प्रीतम नायक जी इस फिल्म दोस्तों संकलन का काम किए हैं, और PRO का बात कर ले तो रामचंद्र यादव जी इस फिल्म दोस्तों PRO यानी दोस्तों इस फिल्म का जो PRO है रामचंद्र यादव जी ही हैं, और मारधार काट एक्शन से भरपूर जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का, और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है, जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं।
तो आप लोग इधर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफी सुंदर दोस्तों कॉस्ट्यूम करते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफी सुंदर दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मारधार का एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी कि दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग इधर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली द्विवेदी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है इस फिल्म में। दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं दिनेश लाल यादव, फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार का एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन, और नृत्यु खानु मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं, प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ हम लोग सुन सकते हैं देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार का एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली द्विवेदी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है इस फिल्म में। दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं दिनेश लाल यादव, फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार का एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन, और नृत्यु खानु मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं, प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ हम लोग सुन सकते हैं देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है,
जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मार धार कार्टेक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली द्विवेदी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोकझोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं, और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी, इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं, प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मार धार कार्टेक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली द्विवेदी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोकझोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं, और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं, प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है जो कि दोस्तों पूरा पारिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मार धार कार्टेक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को।
और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस वक्त दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है। जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से, आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं, और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं, और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये वेब इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म। जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में, प्रदीप खरका जी इस फिल्म दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन, और नृत्यु कानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का, और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार गीत है जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ, यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस वक्त दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से, आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं, और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं, और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये वेब इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म। जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में, प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन, और नृत्यु कानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का, और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है, जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ, यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस वक्त दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।
यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊंगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल। तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं। और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। इस जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में, प्रदीप खरकाज इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए सीन, और नृत्यु कानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ, यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊंगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल। तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं। और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं के चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में, प्रदीप खरकाज इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए सीन, और नृत्यु कानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है, जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ, यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा।
मैं के चले जाऊंगे दोस्तों इस प्ले में, किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस प्ले में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल। तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं। और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं। इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊँगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में। प्रदीप खड़का जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों गीत हैं जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ, यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमरपाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल। तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं। और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं। इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में। प्रदीप खड़का जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है, जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ, यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमरपाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल। तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों
कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं। और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मैके चले जाते हैं। और दोस्तों मैके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मैके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मैके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, धीरेन्द्र लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जोर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों गीत हैं जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मार धार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं। और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मैके चले जाते हैं। और दोस्तों मैके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मैके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, धीरेन्द्र लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जोर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है, जो कि दोस्तों पूरा पारिवार के साथ हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मार धार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं। और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मैके चले जाते हैं। और दोस्तों मैके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मैके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से,
जिसके कारण दोस्तों ये वेब, इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मैके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, धीरेन्द्र लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जोर से देखेगा इस जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में, प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी संत दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का, और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों गीत हैं जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस पर दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये वेब, इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, धीरेन्द्र लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जोर से देखेगा इस जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में, प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों गीत हैं जो कि दोस्तों पूरा पारिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस पर दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैके चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये वेब, इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, धीरेन्द्र लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है,
तो आप लोग जर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए सीन और नृत्यु खानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों गीत हैं जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही। तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है तो आप लोग जरूर से देखेगा पूरा पारिवारिक फिल्म बना है जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए सीन और नृत्यु खानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों गीत हैं जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही। तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है तो आप लोग जरूर से देखेगा पूरा पारिवारिक फिल्म बना है जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए सीन और नृत्यु खानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए
जो कि दोस्तों काफी शानदार प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफी शानदार गीत है जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मारधार का एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही। तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर, और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोकझोंक करते हैं यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं, और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार का एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं, प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार का एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोकझोंक करते हैं यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं, और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार का एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं, प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है।
और दोस्तों इसके अलावा जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों गीत हैं जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मार धार का एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में। तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं, और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं दिनेश लाल यादव, फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार का एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु कानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं, प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मार धार का एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं, और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं दिनेश लाल यादव, फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार का एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु कानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं, प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों गीत हैं जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं।
तो आप लोग इधर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफी सुंदर दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफी सुंदर दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार का एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं, और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं दिनेश लाल यादव, फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है, जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं, प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है, जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार का एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं, और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैके चली जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं दिनेश लाल यादव, फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है, जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार का एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं, प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है, जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है,
जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मार धार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरकाज, इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का, और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मार धार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरकाज इस फिल्म दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का, और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है, जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मार धार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। निरहुआ
कहने के दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस कौन दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली द्विवेदी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं चली जाऊँगी ना दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं, और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं, और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। इस जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरकाज, इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का, और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है, जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ, यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस कौन दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली द्विवेदी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं चली जाऊँगी ना दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं, और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं, और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरकाज इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का, और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है, जो कि दोस्तों पूरा पारिवार के साथ हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ, यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस कौन दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।
यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊंगी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से, आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल। तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं। और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये वेब इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। इस जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ, यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल। तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं। और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये वेब इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। इस जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है जो कि दोस्तों पूरा पारिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ, यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा।
मैं के चली जाऊंगी। दोस्तों इस प्लान में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस प्लान में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल। तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं। और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊँगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जोर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु कानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी साल दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों गीत हैं जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ, यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही। तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर, और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमरपाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी, यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल। तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं। और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जोर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु कानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी साल दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों गीत हैं जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ, यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही। तो आप लोग जोर से देखेगा यूट्यूब पर, और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जोर से देखेगा। पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमरपाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी, यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल। तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों
कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं। और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मैके चले जाते हैं। और दोस्तों मैके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मैके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मैके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, धीरेन्द्र लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जोर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरकाज, इस फिल्म दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों गीत हैं जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बता दें मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है इस फिल्म में। दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोकझोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मैके चले जाते हैं। और दोस्तों मैके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मैके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मैके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, धीरेन्द्र लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जोर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरकाज इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है, जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है इस फिल्म में। दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोकझोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मैके चले जाते हैं। और दोस्तों मैके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मैके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से,
जिसके कारण दोस्तों ये वेब इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मैके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, धीरेन्द्र लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जोर से देखेगा। इस जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में, प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु खानु मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों गीत है जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं चली जाऊँगी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये वेब इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मैके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, धीरेन्द्र लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म। जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में, प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु खानु मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों गीत है जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं चली जाऊँगी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये वेब इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, धीरेन्द्र लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है,
तो आप लोग जर से देखेगा इस फिल्म जो एक एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन और नृत्यु कानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों गीत हैं जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है तो आप लोग जरूर से देखेगा पूरा पारिवारिक फिल्म बना है जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है तो आप लोग जरूर से देखेगा इस जो एक एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन और नृत्यु कानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत हैं जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक साथ आप लोग सुन सकते हैं देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है तो आप लोग जरूर से देखेगा पूरा पारिवारिक फिल्म बना है जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं के चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म जो एक एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन और नृत्यु कानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं
जो कि दोस्तों काफी शानदार तो प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफी शानदार गीत है जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफी शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मार धार कटेक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही। तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर, और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म। जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार गीत है जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मार धार कटेक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही। तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर, और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैके चली जाऊँगी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म। जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार गीत है जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं।
तो आप लोग इधर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफी सुंदर दोस्तों कॉस्ट्यूम करते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता है क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफी सुंदर दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मार धार कटेक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है इस फिल्म में। दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं, और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरकाज इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन, और नृत्यु कानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं, प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है, जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता है क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मार धार कटेक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है इस फिल्म में। दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं, और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरकाज इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन, और नृत्यु कानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं, प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है, जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता है क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है,
जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बता दें मारधार का एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। निरहुआ यानी कि दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली द्विवेदी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म। जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार का एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का, और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार गीत है जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार का एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली द्विवेदी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म। जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार का एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का, और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है, जो कि दोस्तों पूरा पारिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार का एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। निरहुआ
यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है। जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली द्विवेदी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं, और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं, और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये वेब इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चली जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म। जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में, प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु कानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का, और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार गीत है जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ, यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली द्विवेदी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं, और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं, और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये वेब इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैके चली जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म। जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में, प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु कानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का, और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है, जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ, यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।
यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊंगी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से, आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल। तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं। और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में, प्रदीप खरकाज इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किया है सीन, और नृत्यु कानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ, यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से, आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल। तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं। और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं के चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में, प्रदीप खरकाज इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु कानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है, जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ, यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा।
मैं के चले जाऊंगी। यानी दोस्तों इस प्लान में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस प्लान में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल। तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं। और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊँगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं दिनेश लाल यादव, फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जोर से देखेगा इस जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खड़का जी, इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों गीत है जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ, यानी कि दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही। तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर, और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमरपाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल। तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं। और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं दिनेश लाल यादव, फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में प्रदीप खड़का जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए सीन, और नृत्यु खानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों गीत है जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ, यानी कि दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही। तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर, और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमरपाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल। तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों
कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं। और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं। इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मैके चले जाते हैं। और दोस्तों मैके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मैके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मैके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं। धीरेन्द्र लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जोर से देखेगा। इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में, प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु कानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों गीत हैं जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं। और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं। इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मैके चले जाते हैं। और दोस्तों मैके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मैके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं। धीरेन्द्र लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जोर से देखेगा। इस जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में, प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु कानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों गीत है, जो कि दोस्तों पूरा पारिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो कि दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं। और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं। इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मैके चले जाते हैं। और दोस्तों मैके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मैके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से,
जिसके कारण दोस्तों ये वेब, इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मैके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं धीरेन्द्र लाल यादव, फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जोर से देखेगा। इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में, प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु कानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी संत दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का, और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों गीत हैं जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते हैं मार धार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ, यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही। तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर, और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं, और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये वेब, इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मैके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं धीरेन्द्र लाल यादव, फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में, प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए हैं सीन, और नृत्यु कानू मुखर्जी किए हैं इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का, और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों गीत हैं जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों कॉस्ट्यूम करते नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मार धार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ, यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही। तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर, और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा। पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली दुबे जी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं के चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है। इस फिल्म में दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं, यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं, और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं। और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये वेब, इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मैके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं धीरेन्द्र लाल यादव, फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है,
तो आप लोग जोर से देखेगा इस जो एक्शन जो दिए हैं दोस्तों इस फिल्म में, प्रदीप खरका जी इस फिल्म में दोस्तों मारधार काट एक्शन से भरपूर देने का काम किए सीन, और नृत्यु कानू मुखर्जी किए इस फिल्म में। कला का बात कर ले तो विजय श्रीवास्तव जी इस फिल्म में दोस्तों कला का काम किए हैं। प्रोजेक्ट हेड का बात कर ले तो गौरव पटेल जी किए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों प्रोजेक्ट है इस फिल्म का और काफ़ी पारिवारिक इस फिल्म को दोस्तों लिखा गया है। और दोस्तों इस फिल्म में जो कुछ गीत दिए हैं अरविंद तिवारी जी ही तो गीत दिए हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार गीत है जो कि दोस्तों पूरा परिवार के साथ आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है कविता सुनीता क्रिएशन से दोस्तों इस फिल्म का कॉस्ट्यूम किया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों कॉस्ट्यूम करते हुए नजर आ रहे हैं इस फिल्म में दोस्तों कविता सुनीता क्रिएशन जी। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिए हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते राजेश प्रसाद जी इस फिल्म में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म को हिट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से ही। और दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बताते मारधार काट एक्शन से भरपूर है दोस्तों इस फिल्म में, जो कि दोस्तों एक अलग अंदाज में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा निरहुआ यानी दोस्तों दिनेश लाल यादव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अंदाज में, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और दोस्तों यदि आप लोग टेलर नहीं देखे तो टेलर भी देख लीजिएगा, टेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह दोस्तों टेलर है और टेलर में किस तरह से काम किया गया है, जो दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा देख के ही फिल्म किस तरह का आने वाला है। दोस्तों काफ़ी धमाल मचाएगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यदि आप लोग प्ले स्टोर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी जल्द ही, तो आप लोग जरूर से देखेगा यूट्यूब पर। और काफ़ी शानदार दोस्तों फिल्म बना है, तो आप लोग जरूर से देखेगा, पूरा पारिवारिक फिल्म बना है, जो कि दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को अमर बाली द्विवेदी एक पारिवारिक रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोग को काफ़ी शानदार दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। मैं चली जाऊँगी यानी दोस्तों इस फिल्म में किस तरह से आप लोग को बता दें किस तरह से काम किया गया है इस फिल्म में। दोस्तों दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे से शादी करके जाते हैं ससुराल, तो उस टाइम दोस्तों काफ़ी मतलब इसके ससुराल वाले इस अमरपाली दुबे से नोक झोंक करते हैं यानी दोस्तों ज़्यादा काम करवाते हैं, और दोस्तों कुछ भी ढंग से नहीं खाने देते हैं, और दोस्तों जब भी खाने के लिए बैठती है तो इनको कहीं से कहीं बुला के और दोस्तों इनको उलझा देते हैं, और दोस्तों इनका खाना किसी दूसरे को खिला देते हैं, इसके कारण दोस्तों ये परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लास्ट में ये अपने मायके चले जाते हैं, और दोस्तों मायके चले जाने के कारण दोस्तों इनके मायके वाले भी इनको भगा देते हैं वहाँ से, जिसके कारण दोस्तों ये इसलिए दोस्तों इस फिल्म का मैं मायके चले जाऊंगी मूवी का नाम रखा गया है। और दोस्तों मायके से भी ये वापस ससुराल ही जाते हैं, दिनेश लाल यादव फिर दोस्तों अलग रहने लगते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीन है जो कि दोस्तों पूरा पारिवारिक सीन है, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।